को और पूजेंगे कैसे पूजेंगे? जिसको राम को पूजना है वो राम को पूजेगा, जिसको काली को पूजना है काली को पूजेगा, जिसके लिए अल्लाह सब कुछ है उसके लिए अल्लाह सब कुछ है। आप कौन होते हैं? आप बोलिए ना, काम क्या किया है आपने? आपके एमपी ने काम क्या किया है? आपके एमएलए ने काम क्या किया है? सब इसी घर में कलकत्ता में बैठे रहेंगे और वोट के टाइम आके आप बोलेंगे कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। एक बात याद रखिए, बंगाल की जनता को एक ही चीज पता है कि लाभ छड़ा खोती नहीं, दीदी छड़ा गोती नहीं, दीदी छड़ा गोती नहीं। आप सबसे मेरी एक ही विनती है, आगे जाके लोकसभा चुनाव है, 5 साल आपको बीजेपी के एमपी से क्या मिला है उसका हिसाब आपके पास है, मुझसे ज्यादा जो मिला आप ही को पता है भैया। तो इस बार जब वोट कीजिएगा ना, वो जो बाहर से एरोप्लेन लेके वो होटल से आते हैं ना, और इलेक्शन देखा नहीं तुम्हारा, देखा नहीं रे तुम्हारा देखा, तो ऐसे नेताओं को वोट मत कीजिएगा। ये लोकसभा का निर्वाचन, ये चुनाव सिर्फ आपका चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। देश जिसके हाथ में जाने से आगे बढ़ेगा उसी को वोट कीजिएगा, बस इतना ही मुझे आपको बोलना है। और युवा शक्ति जो यहाँ पे, उनको बोलूं कि हौसला बुलंद रखो भाई और पंख लगाओ। पूरा जमाना देखेगा, कितने दिन मिट्टी पे बैठ के आसमान देखेगा, छलांग लगानी पड़ेगी। आपका दरिया है और डूब के जाना है ना, हर घर में पहुंचना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि ममता बनर्जी ने 12 साल में क्या काम किया आपके लिए। सीपीएम का राज देखा था ना, अब क्या है, अब रास्ता कैसा है, अब पानी मिलता है कि नहीं मिलता है, बिजली मिलती है कि नहीं मिलती है, खाना मिलता है कि नहीं मिलता है। मनोज दा ने बोला है कि एमएसएमई से शुरू करके, किसान से शुरू करके, सब्जी से, मछली से, नारी की सुरक्षा से शुरू करके हर जगह ममता बनर्जी ने बंगाल को आगे बढ़ा दिया है। ये जो लोग बोलते रहते हैं कि पूजा में भर पंडाल को 70,000 रुपए आप क्यों दे रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, इनका दिमाग नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इनकी, ये समझते नहीं है कि ममता बनर्जी 70,000 रुपया देती है और यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में दुर्गा पूजा का नाम जाता है और 70,000 करोड़ का बिजनेस आता है यहाँ पे। तो आप अपनी मोटी चमड़ी और मंद बुद्धि लेके दिल्ली में बैठे रहिए, यहाँ पे मत आइए। सवाई बोले जे बिना स्कले विपरीत बुद्धि, थोड़ा वक्त दे दीजिए भाई साहब, जितना वक्त आगे आता रहेगा ना, इन लोगों के जो इनके भेकधारी बाबा बन के सब बैठे हैं ना, सब ये भेक चला जाएगा और आपको समझ में आएगा कि अगर सच में आप लोगों के लिए कोई अनुभव करता है, कोई सोचता है कि अगर आपके बेटी के पढ़ाई के लिए कोई सोच रहा है, कि आपके बेटी के शादी के लिए कोई सोच रहा है, आपके बेटे के नौकरी के लिए कोई सोच रहा है, आपके घर वाले जो आपके माँ बाप हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए कोई सोच रहा है, तो उनका नाम ममता बनर्जी है, और कोई नहीं है, वो और कोई नहीं है। ये विश्वास बनाए रखे। और निर्मल लोग अभी बोलबो जी, निर्मल लोग मानस ने जगम भावे बोले एक मुहूर्त समय नष्ट करा जाए ना, এক মুহূর্ত সময় মাঠে নামতে হবে, মাঠে নেমে লড়াই করতে হবে। প্রস্তুত হ্যাঁ না, আওয়াজ নাই তো, দিল্লি তক পৌঁছে বলি জয় বাংলা, কি রিজু পৌঁছচ্ছে পৌঁছ না, কলকাতা অব্দি গেছে, 24 তারিখে আসছেন তো কলকাতা, यहाँ पे उनके भी लोग हैं सब, यहाँ पे रिपोर्ट जा रहा है ना, यहाँ पे भी बैठे हैं 2-3 साइड में, इसका खबर ले रहे हैं कि सभा कैसा चल रहा है रे, लोग हुए रिस्पांस कैसा था। हाँ तो जोर से बोलिए, तो बोलिए जय बंगला, जय बंगला, मोदी हटो, छोड़ के जा रहे हैं सर, देख लीजिएगा।